हेलो एवरीवन, आई एम बैक। आज है हफ्ता और हफ्ते के दिन का, हफ्ते का व्लॉग का जो शुरुआत है वो है सुबह के 7:30 बजे से। और मैं रूफ टॉप पे हूँ और मुझे बहुत सारे काम हैं आज अपने प्लांट से, अपनी गार्डनिंग के। मेरे काफ़ी सारे पौधे, मैंने आप लोगों से पहले भी बहुत बार जिक्र किया, काफ़ी सारे प्लांट्स मेरे ख़राब हो गए। ये गर्मी जो इस बार पड़ी है 40-42 तक, 43 शायद 44 भी कभी किसी दिन हम गए हैं, और डायरेक्ट सूरज जो है वो मेरे प्लांट्स पे आता है तो वो काफ़ी इफ़ेक्ट कर गए। तो अभी मैं लास्ट कुछ शॉपिंग भी की थी, जिस दिन बारिश हुई है मैंने कुछ प्लांट्स शॉपिंग किए थे, तो उनको मैंने सोचा कि मैं आज रिपोर्ट वगैरह कर लूँगी, खाद वगैरह जो भी करते हैं। तो ये मेरी काफ़ी टाइम के बाद मैं ये काम कर रही हूँ, बिकॉज़ लॉकडाउन में तो मैंने की नहीं शॉपिंग, वरना मेरे ये एवरी वीकेंड का मेरा ये काम होता था कि अपने प्लांट्स को शिफ्ट करना, किसी को कोई ज़रूरत तो नहीं है, हर चीज़ उसकी चेक करना। तो काफ़ी टाइम के बाद आज ये काम कर रही हूँ और मैंने सोचा कि सुबह अर्ली उठ के ही ये कर लूँगी, बिकॉज़ फिर धूप आ जाएगी तो फिर वो काम उससे होगा नहीं। तो भाई फिर मैं शुरू करती हूँ आज अपने प्लांट्स के काम से आज का दिन, और वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पे। अस्सलाम वालेकुम आप सबको, आज है हफ्ता, तो चलें फिर वीकेंड एंजॉय करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का दिन। तो जनाब ये सारा कुछ मैंने करना है, अभी मैंने सब एक साइड पे कर लिए, ये सब मैंने अभी करना है। मैंने काफ़ी सारे जो ये वाले प्लांट्स हैं, जो मेरे मनी प्लांट्स हैं, इनको इन बास्केट्स में शिफ्ट करना है। देन फिर ये वाला जो पॉट है, ये छोटा पड़ रहा है, इसको इसके देखें लीव सारा ख़राब हो रहा है, इसको इस बड़े पॉट में करना है। देन वो वाले को भी बास्केट में करना है। ये है मेरे गार्डनिंग टूल्स जो कि मुझे मेरी गार्डनर फ्रेंड ने गिफ्ट किए थे, ये भी निकाले हैं, अभी सारे मिट्टी में हो रहे हैं, इनसे मुझे काम करना है अभी। चलें फिर मैं अपना काम शुरू करती हूँ, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात करती हूँ। काम शुरू हुआ नहीं था कि हाथ कट गया मेरा। ये भी सारे हाथ मिट्टी में हो गए, और ये फोकस कर लो, फोकस कर लो, कट लग गया। सुबह के, और मैं और मेरी फ्रेंड थोड़ी सी प्लांट शॉपिंग के लिए निकल रहे हैं आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। भैया गुजर जाओ। आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम मैं अपनी प्लांट्स लवर जो मेरी दोस्त है उसके साथ जा रही हूँ शॉपिंग पे। तो चलें आज का दिन कंटिन्यू करते हैं और निकलते हैं। तो इतना अच्छा मौसम था और अब ऐसी शदीद गर्मी हो गई है, इतनी शदीद गर्मी लग रही है मुझे। उफ यार ये बहुत खूबसूरत है।
फूलों से देख कैसे ठहर रहा है। आज मेरी बनाई है मसूर की दाल, और दूसरी तरफ दिखाती हूँ। हो रहे हैं ब्लैक वाले चने बॉयल, क्योंकि शायद शाम को चाट बनने वाली है चनों की। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारा बकरा आ गया भाई। बस 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 बस, हद ही मेरी तरफ नहीं लेकर आया यार। संडे और आज अभी लाइट भी नहीं है और सुबह से इतनी शदीद बारिश हो रही है, तो सुबह से हम तो बारिश एंजॉय कर रहे थे। आज एक्चुअली मेरे दादा की बरसी भी है, तो उसकी भी तैयारी हो रही है, और आज बिरयानी जो है वो अम्मी बना रही है। एक्चुअली मेरा तो शैशलिक का प्लान था आज संडे, क्योंकि काफ़ी दिन से, जैसे काफ़ी संडे से बिरयानी वगैरह ही हो रही थी, बट अम्मी ने कहा कि नहीं, आज दादा की बरसी है, आज न्याज है, तो बिरयानी ही बनेगी, और आज बिरयानी अम्मी बना रही हैं। समोसे वगैरह मंगवा लिए थे, क्योंकि शदीद बारिश हो रही है और कंटिन्यूसली हो रही है, और मैं शुक्र कर रही हूँ अल्लाह का कि मैं घर पर ही हूँ आज। थोड़ी देर पहले ही चढ़ा दी, सुबह की ज़रूरत नहीं है, गोश्त बीफ नहीं है, चिकन की ही यखनी है। अच्छा, अम्मी का बिरयानी का जो स्टाइल है वो बिल्कुल अलग है, और मैं जो बनाती हूँ वो बिल्कुल, ये एक्चुअली पुलाव बिरयानी बनाती है। अरे मैंने इसमें दही ऐड किया है, मसाला कोई भी बाहर का नहीं लिया अम्मी ने, सारा जो है वो घर का मसाला है, जो यखनी में चिकन थी वो डाल दी है इसमें, टमाटर, हरी मिर्चें, प्याज थोड़ी थोड़ी सी है, बाकी अम्मी ने ब्राउन प्याज अलग से निकाल ली है, और टमाटर, हरी मिर्चें टमाटर, हरी मिर्चें, और पिसा हुआ धनिया, लाल मिर्च, नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट, दही अभी अभी शामिल किया है मैंने, बस ये सारे अपने मसाले हैं, और गरम मसाला साबुत लिया था प्याज के साथ जो भूनते हैं, बाकी जो यखनी में होगा उसका जो वो अर्क होता है वो यखनी में चला जाता है। तो अम्मी का जो स्टाइल है बिरयानी का वो बिल्कुल डिफरेंट है, और मैं बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से बनाती हूँ। ब्राउन प्याज अलग से निकाल के रख ली गई है। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम आप सबको, वेलकम बैक टू द चैनल। और फाइनली मैंने कहा चलो तैयार हो जाते हैं, बारिश हो रही थी, नहा रहे थे, ऊपर छत पे थे, अभी अभी आई हूँ, तो बस अब थोड़ा तैयार वैयार हो गए, और जैसे कि मैंने बताया आज दादा की न्याज भी है, तो उसकी भी तैयारी चल रही है, और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है वो बकरा भी आ गया, तो उसका भी ख्याल करना था, छत पे था, फिर उसको भी जो है वो अंदर घर में अंदर की तरफ बांधा है,
बिकॉज़ बारिश सही नहीं है जानवर के लिए भी। पिछले साल भी यही हुआ था, यही प्रॉब्लम हुई थी, बट पिछले साल हमारी गाय थी, अब वो तो बड़ी होती है, उसको घर के अंदर तो बांध नहीं सकते, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो गया था हमें, और वो बेचारी बड़ी बड़ी मुश्किल से उसने भी जो है वो इधर उधर बांधना, बहुत बहुत मसले हो गए थे पिछले बार। तो इसीलिए इस बार हमने शुरू से ही डिसाइड किया था कि हम बकरा ही लेंगे, ताकि उसको संभालना जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम ना करे, क्योंकि अब बकरा ही जो है वो मानसून में ही आ रही है, जिस तरह लास्ट बिरयानी लग चुकी है दम पे, और दूसरे साइड पे बनाया है मीठा शीर कोरमा है, इसमें ये कलर डाला है, फूड कलर होता है ना जो, ये वो डाला है। तो बस अब डिश आउट करने का टाइम है।